सो गाइज गुड मॉर्निंग एवरी वन. टूडे इज़ द 27th of June एंड अभी टाइम हुआ है 8:15. सो मैंने ऐसा प्लान किया कि बहुत दिन से मानसून रेड नहीं किया हमने, सो इधर ही पास के पास ही तो जाके आते. सो देन गाइज वेलकम बैक टू चैनल, दिस इज चिन्मय वाडेकर एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल पाडेकर चैनल व्लॉग्स फ्रॉम अपल पुणे. हियर वी आर रेडी टू लीव. टाइटल में आपने देख ही लिया होगा कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ. सो वी आर गोइंग टूवर्ड्स द तामिनी घाट. अगर तामिनी घाट में जाने को नहीं मिला तो लोनावला जाएंगे, और लोनावला को भी पॉइंट्स पे नहीं जाने को मिलेगा. कैसे, अभी तो वीकेंड लॉकडाउन है सो उसके वजह से कहीं जाने को नहीं दे रहे टूरिस्ट पॉइंट पे, यानी कि टाइगर पॉइंट वगैरह इधर उधर. सो हमको जस्ट टच करके आना पड़ेगा क्योंकि मौसम के मज़े लेते हैं कुछ नहीं. और तो हमारे साथ आने वाला है आज शुभम, द न्यू मेंबर इन द हाउस. सो फटक से उसको पिकअप करते हैं और जाते हैं आगे. सो शुभम आर यू रेडी ब्रो? ओके, ये मुझे साथ देने वाला है अभी कंटेंट क्रिएशन में, अपने जो भी कंटेंट आएगा अभी रील्स वगैरह आने वाली है. सो गाइस रील्स के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा मुझे इंस्टाग्राम पे. सो जल्दी से जाके इधर स्क्रीन पे आ जाएगा इंस्टाग्राम की आईडी, सो डू फॉलो माय इंस्टाग्राम. मौसम बहुत ही बढ़िया है आज, ना धूप है ना बारिश है, बट प्लेजेंट वेदर है और एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है, ज़्यादा गर्म भी नहीं लग रहा. सो देखते हैं अभी सीधा जाके हमें यहाँ से चांदनी चौक से लेफ्ट लेना है और आगे जाके बावधान से जाना है सीधा सीधा, मतलब बावधान से नहीं, उससे आगे से पोर्ट गांव है, पोर्ट गांव से वगैरह जाना है. अगर बीच में कहीं पुलिस चेक ना कराए, मतलब इधर ही ऊपर चेक ना कराए, वहाँ से हमें जाने देते हैं या नहीं ये हमें पहले देखना पड़ेगा. बैरियर्स तो दिख रहे हैं यहाँ पे, पकड़ देगा, पकड़ रहे तो है, हमें नहीं पकड़ेंगे शायद से, ऐसा लगता है. या नहीं पकड़े, छूट गए, बढ़िया से. वन चेक पोस्ट कंप्लीट, ये बट कुछ भी करके मुझे आज ना मतलब राइड पे जाना ही था, मतलब बहुत दिन से गया ही नहीं, ब्लॉग भी नहीं आया. सो कुछ भी करके कंटेंट क्रिएट करना ही पड़ता है मेरे दोस्तों. अभी हमारा रास्ता होगा जाने का पौड़ मुलशी और तामिनी घाट ऐसा. सो सीधा 31 किलोमीटर का पैच है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको पूरा जाने के लिए. ओह माय गॉड, स्लिपरी, ये नज़ारा तो देखना पड़ेगा ही भाई, कुछ भी बोलो नज़ारा. सो गाइस अभी यहाँ से हरियाली लगनी चालू हो चुकी है और अभी यहाँ से आपको नज़ारे मिलते रहेंगे. हम एक माउंटेन चढ़ गए, अभी नीचे जा रहे हैं और आगे से हम जाएंगे तामिनी घाट के लिए. और मौसम का मज़ा अलग ही लेवल का होता है, नेचर. अभी उस तरफ का आपको दिख रहा है या पता नहीं, बट इतने बादल है उस साइड पे, बहुत ज़्यादा बादल है और ऐसा फॉगी फॉगी वेदर है उस साइड पे, और हमें उसी साइड पे जाने का है. तो पिछले बार जब हमारे दिवेगढ़ की ट्रिप थी तो यहीं पे हमने हमारे फोर व्हीलर में पेट्रोल भर के सीधा गए थे. यही रास्ता जाता है दिवेगढ़ के लिए, यानी कि कोकण के लिए. अगर आपने हमारी कोकण ट्रिप दिवेगढ़ ट्रिप नहीं देखी है सो ऊपर दिए गए आई बटन में आपको लिंक आ जाएगी, जाके देख लीजिए. वो भी स्पीड लिमिट 20 किलोमीटर पर आवर, ऐसे सब नियम लोग फॉलो करने लगे क्या से क्या हो जाएगा. कुछ नहीं, वहाँ पे जाएंगे, थोड़ा सा मज़ा करेंगे, आपको सीनरी दिखाएंगे वैसे फुल मानसून की. बारिश वगैरह तो नहीं है अभी, बट अगर उधर जाके बारिश वगैरह आ जाए तो वो भी सीन दिखा देंगे, मज़ा करेंगे मज़ा. और अपने हिमालयन राइड करने में यहाँ पे बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही मज़ा, आपको फीलिंग हम नहीं बता सकते, बट बहुत ही मज़ा आ रही है चलाने में. बैलगाड़ी की मज़ा अलग ही होती है, पर कुछ भी बोलो.
इतना बढ़िया है। वो वहाँ पे जो पहाड़ियाँ दिख रही है पूरी ढकी हुई है। वो वहाँ पे दिख रहा है आगे वो नाका बंद। हमारा सेकंड मिशन फेल हो गया, पूरा बंद है आगे से। और एज ऑलवेज हमारे GoPro ने धोखा दिया है टाइम पे। वहाँ पे जैसे ही वहाँ पे गए और ये साला बंद हो गया वहीं पे। क्या करे इस GoPro को, कुछ करो यार GoPro वालों, कुछ तो करो, ये हैंग हो रहा है टाइम टाइम पे, क्या करे आगे। चलो अभी देखते कहीं दूसरी ओर जाने को मिलता है तो सही। अगर कोई आना चाहता है वीकेंड लॉकडाउन पे तो मत आइए, नॉट अलाउड। कहीं और के नज़ारे लेते, हमारे पास जगह कम नहीं है, बहुत जगह है। मन चला सा मेरा मन कहीं और ये ले आया। सडनली चेंज आ चुका है हमारे प्लान में। सो प्लान का बदलाव ऐसा है, हम जा रहे थे पहले तामिनी घाट, बट तामिनी घाट के लिए आपने अभी देखा ही होगा, मैंने जैसे आपको अभी बताया कि पूरा बंद है, मामा लोग वहाँ पे खड़े हैं। यहाँ से पावना लेक नज़दीक है, पिछले बार जब मैंने पावना लेक गया था तो यही रूट से गया था पावना लेक भी। सो आप देख सकते हैं, सो पावना लेक कैंपिंग का भी वीडियो का आई कार्ड मैं यहाँ पे दे दूंगा ऊपर। यही रूट से गए थे पिछली बार, हमारे पास इग्नाइटर थी, अभी हमारे पास हिमालयन है। हिमालयन इस फ्रेम में है तो बहुत ही मज़ा आएगा। और भी यहाँ पे फोटोशूट चल रहा था हमारा ऐसी पहाड़ियों में, और ये देखो ऐसे जाते हुए लाल परी, और हमारे भाई हमारा फोटोशूट कर रहे। तो भाई निकाल और फोटो निकाल, थोड़े से आएंगे अपने इंस्टाग्राम पे आएंगे। सो अगर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी जाके फॉलो कीजिए, यहीं पे स्क्रीन पे दे दूंगा अपने इंस्टा की आईडी। और यहाँ पे हमारी हिमालयन है ऐसी खड़ी हुई इन सह्याद्री की पहाड़ियों में, बहुत बढ़िया। बट अरे भाई क्या नज़ारे है, क्या नज़ारे है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे ही नज़ारों की हमें मांग थी और वैसे ही नज़ारे हमें भगवान ने दिखा दिए, बहुत बढ़िया। इतना बढ़िया नज़ारा है और उसमें इतनी बढ़िया मेरी बाइक है और मैं इस राइड का आनंद लेते हुए, और क्या चाहिए लाइफ में, बस यही तो चाहिए। ये यहाँ पे डैम है, यहाँ पे हम जा सकते हैं, हम यहाँ पे जाएंगे अभी। वाह बहुत ही बढ़िया नज़ारे है भाई, चलो हम मिलते हैं थोड़ी देर में उधर जाके। अभी यो क्या नज़ारे है, वाह 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 वाह, बढ़िया बहुत ही प्यारा। इस लोकेशन का नाम मुझे पता नहीं, बट थोड़ा ढूंढ के यहाँ वहाँ का थोड़ा गूगल मैप पे देख के आपको स्क्रीन पे दे दूंगा मैं नाम क्या है। अरे शायद से इसको ना तिकोना डैम है, वो हर्षी डैम बोलते हैं, हर्षी डैम, यस। ओ भाई 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 भाई, भाई। बारिश आ चुकी है यहाँ पे, फुल बारिश। यू GoPro ढकना पड़ेगा। सो बाय बॉयज, बाय बॉय, ये ऐसा नज़ारा है पूरा। तो बारिश आ चुकी है, GoPro बंद। सो विंड का वॉइस ज़्यादा आता होगा, बट वी आर हियर एट हर्षी डैम। ये हर्षी डैम है यहाँ पे। सो अभी यहाँ पे आते वक्त
और यहीं पे आने के बाद हमें बारिश लगी है, सो वेल प्रिपेयर है हम, वैसा कुछ नहीं, बट नज़ारा कैसा है आपने अभी देखा ही होगा, कैसा नज़ारा है, बहुत बढ़िया, मेरी आँखें मतलब इसको बोलते हैं मानसून, बारिश में मोबाइल दिख रहे हैं आप, जाने दो अभी, थोड़ा सा वाटर प्रूफ है, बन जाए, थोड़े नज़ारे लो अभी, सिनेमेटिक नज़ारा ले लो ज़रा, देखो दौड़ के दौड़ते आ रहे मंडू भाई कंटेंट क्रिएटर यू ऐसे जानवरों को बचाते जाओ, ऐसे बीच में आ जाते, कुछ तो अच्छा काम किया आज। वो नजारा तो दिखाओ, सो तामिनी को जाने को नहीं मिला, सो पूरे टूरिस्ट लोग यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ की नेचर का आनंद लेते हुए सब लोग। सो गाइस, सो यहाँ पे है पावना लेक और यहाँ पे हम अभी अपना वीडियो एंड करने का समय आ चुका है। सो वहाँ पे अपनी हिमालयन खड़ी है वो, और इस साइड में लेक का व्यू, और हमारे साथ हैं फ्रेम में शुभम भाई, जो हमारे कंटेंट को मतलब ऐसे बहुत बढ़िया कंटेंट बना रहे हैं। सो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा आपको, तो फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। यही तक था पूरा सफ़र मानसून राइड का, जो अपनी फर्स्ट मानसून राइड थी हिमालयन के साथ। यस, हमने पहले डिसाइड किया था कि हम जाएंगे, सबसे पहले डिसाइड किया था कल कि लोनावला जाएंगे, बट लोनावला में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, वो एक टाइगर पॉइंट वगैरह जाने नहीं दे रहे थे, सो उसकी वजह से हमने कहा था कि जाने दो तामिनी घाट जाते, तामिनी घाट पे आते ही नहीं, क्या आपने वीडियो में देखा होगा, वहीं पे रोक लिया हमें। सो उसके बाद सीधा हर्षी डैम के लिए निकले, हर्षी डैम पे रुके, वहाँ पे बारिश मिली और बारिश के तो नज़ारे तो बहुत ही बढ़िया थे। सो देन हम अभी आ चुके हैं पावना लेक पे। तो गाइस अभी अपना ब्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं पावना लेक पे। सो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ अ डे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। सो गाइस मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में, और शुभम भाई आप कुछ बोलना चाहोगे? प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने भाई का व्लॉग, देन सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, जितने लोगों को शेयर कर सकते हो शेयर करो, पुणे का मानसून राइड है ये। सो मिलते हैं फिर किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन।